नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। आईपीएल 2022 का मुकाबला नंबर 57 खेला गया एमसीए पुणे यानी महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में, और इस मुकाबले में जो दो टीमें आमने सामने थी वो थी वो टीमें जो इस सीजन से पहले तो एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की, और ये जो दो टीमें हैं इस सीजन ही इनका पदार्पण हुआ है, और जिस तरह की उम्मीदें इनसे जताई जा रही थी उससे विपरीत ये दोनों टीमें खेल रही है। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त दोनों टीमें नंबर एक और नंबर दो पर बनी हुई है। इस मुकाबले से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स नंबर एक पर थी, गुजरात नंबर दो पर थी, और गुजरात ने इस मुकाबले में लखनऊ को 62 रनों से बड़ी एक हार दी है, और इस हार के साथ ही जो है लखनऊ सुपर जायंट्स एक बार फिर से नंबर दो पर खिसक कर आ गई है, और गुजरात टाइटंस नंबर एक पर पहुंच गई है, और गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 में क्वालिफाई होने वाली, प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होने वाली पहली टीम भी बन गई है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जीतने वाले कप्तान हार्दिक पांड्या ने क्या कहा, और एक गेंदबाज है, एक स्पेसिफिक एक गेंदबाज है, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करी है, बहुत ज़्यादा तारीफ करी है, और वो गेंदबाज कौन है उसके बारे में आपको बताएंगे। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हार्दिक पांड्या ने जो मुद्दों पर उन्होंने बात करी है उन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले मैच पर थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। टॉस गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, अपने 20 ओवर के कोटे में 144 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, और 145 रनों को चेज करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स जो है मात्र 82 रनों पर ऑल आउट हो गई। सीजन दूसरा सबसे लोएस्ट आप कह सकते हैं टोटल बनाया लखनऊ सुपर जायंट्स ने। पहले नंबर पर ऑफकोर्स आरसीबी की टीम है, तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मुकाबला जो है काफ़ी निराशाजनक रहा, तो वहीं पर हार्दिक पांड्या एंड कंपनी के लिए ये मुकाबला काफ़ी ऐतिहासिक रहा, क्योंकि 62 रनों के बड़े अंतर से तब जीता है जब मुकाबला ऑलरेडी फर्स्ट बैटिंग करके टीम ने बहुत बड़ा टोटल खड़ा नहीं किया था, तो ऐसे में ये जीत काफ़ी खास है। खास एक और वजह से हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में ज़बरदस्त तरीके से गेंदबाजी करी, 4 विकेट्स उन्होंने चटकाए, तो इस वजह से भी ये मुकाबला खास हो जाता है। खास इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि शुभमन गिल ने भी इस मुकाबले में अपनी फॉर्म जो है वो बरकरार रखी है, पिछले मुकाबले में भी उनकी फॉर्म बनी हुई थी और इस मुकाबले में भी दोबारा से उन्होंने अपने फॉर्म को बरकरार रखा है। तो चलिए अब बात करते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में विनिंग कैप्टन हार्दिक पांड्या ने क्या कुछ कहा है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हार्दिक पांड्या ने कहा कि बहुत फक्र महसूस हो रहा है अपनी टीम पर, और ये इस वजह से भी महसूस हो रहा है कि 14 गेम से पहले ही हमने क्वालिफाई कर लिया है प्लेऑफ्स के लिए, तो टीम के एफर्ट्स पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी, सामने वाली टीम यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, मोहम्मद शमी हो गए, उसके बाद राशिद खान हो गए, तमाम गेंदबाजों की हार्दिक पांड्या ने बहुत ज़्यादा तारीफ करी है, खुलकर तारीफ करी है। साथ ही साथ आरसाई किशोर जिनका आज डेब्यू मुकाबला था गुजरात टाइटंस की तरफ से, उन्होंने अपना पदार्पण किया और डेब्यू मुकाबले में एक ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने आप कह सकते हैं यादगार बनाया अपने डेब्यू को, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करी है हार्दिक पांड्या ने। कप्तान हार्दिक पांड्या उन्होंने कहा है कि मैं इस गेंदबाज को बहुत ऊंचा देखता हूं, टीम में जिस तरह का अभी एक बैलेंस बना हुआ है उस वजह से इनकी जगह ज़रूर नहीं बन रही है, लेकिन बहुत बड़े गेंदबाज बनेंगे और मैं इस गेंदबाज को यानी आरसाई किशोर को बहुत एक कहते हैं कि बहुत ऊंचे स्तर का गेंदबाज के तौर पर देख रहा हूं। तो आरसाई किशोर की बहुत जमकर तारीफ करी है कप्तान हार्दिक पांड्या ने, और कप्तान हार्दिक पांड्या ने टीम के जो बल्लेबाज शुभमन गिल हैं उनकी भी तारीफ करी। कप्तान हार्दिक पांड्या ने फिर इसके बाद कहा कि अब हमारा जो मकसद है, क्योंकि हम अब क्वालिफाई कर चुके हैं, अब हमारा मकसद है कि आने वाले जो गेम्स हैं उनको एंजॉय करेंगे और जो गलतियां पास्ट में करी है उनको ठीक करके फ्यूचर जो है वो थोड़ा अच्छा करेंगे, तो गेम्स जो है वो हम एंजॉय करने के इरादे से अब खेलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने ये साफ कर दिया है कि जो आने वाले मुकाबले हैं उसमें बहुत ही निडर होकर, बहुत ही फियर्स तरीके से गुजरात टाइटंस वो मुकाबले
खेलने वाली है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कप्तान हार्दिक पांड्या ने जो बातें कही है, क्या आप उन बातों से सहमत है, और क्या आप आरसाई किशोर को हार्दिक पांड्या की तरह एक बड़ा गेंदबाज मानते हैं? आपके हिसाब से उनका फ्यूचर आईपीएल में क्या है? आईपीएल में वो किस स्तर के गेंदबाज बनेंगे आपके हिसाब से? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।